मकोड़ा चल कई जगह ब्रह्मा हुआ, कई जगह विष्णु हुआ, कई जगह शंकर हुआ, और कई जगह चौरासी में भी गए, चौरासी में भी गए। इसी तरह से मतलब कि जीव अच्छे अगर काम किया तो न समान है, न फल नहीं मिलता, नहीं तो इसको अगर पुण्य और दान किया उसकी आशा रखा तो आशा के मुताबिक क्या होता है कि उनको लोग मिल जाता है, और फिर जब उसको खत्म हो गया तो क्या किसी भी राज्य में जाता। परंतु कहते हैं कि मकोड़े का दृष्टान देते हुए कहते हैं कि मेरा जो परम भक्त है वो कुछ भी नहीं चाहता, तो उसको मैं मेरे स्वतः इच्छा से उसको स्वर्ग का जब सबसे श्रेष्ठ उस लोक में मैं उस महाआत्मा को देखता हूँ, अनंत काल तक माँ का सुख वैभव भोगता है, आनंद करता है, और उसके बाद किसी ऐसे भक्तजनों के यहाँ हम उसको पैदा कर और पैदा करते करते पैदा करते फिर उसको जैसे हम कोई काम करते करते सो जाते हैं उठते हैं तो हम कोई काम इसी तरह से विश्व क्या है, इस तरह का निर्देश है, मंत्र बनता है, इस तरह का निर्देश है, तो वो फिर जब उसको मनुष्य मिलता है तो पुनः आकर के अपने कर्तव्य को कोई ऐसे कर्तव्य ले जाते हैं और खोज करता है, और जो महान का रास्ता रखता है तो ये संतों की कृपा का अनुभूति है, और इसके लिए जो मनुष्य धन मिला है अब इसको पाकर हम अगर न बोले। और भी कई कृष्ण भगवान ने कहा है कि मनुष्य एक मनुष्य है जैसे कोई बैल है, बैल को चलाते चलाते उसको अपनी गाड़ी में उसको जोत दिया और चलाते चलाते वो चलाते वाला नींद आ जाती है, परंतु रोज का देखा हुआ है वो रास्ता रोज का देखा हुआ तो उसको नींद भी आ गई, उसको भी वो बंद ले जा करके जहाँ पर से जहाँ पर उसको जाना वहीं खड़ा कर दे, जहाँ पर उसको खड़ा कर दे। इसी तरह से अभी अपने लोग भी जो हमारी सबों की भावना होगी इस जीवन में खाते पीते सब कुछ करते अपने अपने कर्तव्यों के बदले अगर उससे यही मांगे अपने जीवन का कल्याण नहीं मांगे, और शरीर का तो कर्तव्य है जैसे खाना पीना धंधा जगत का करना, एक तो पक्ष को अपने शरीर को नहीं करेंगे तो खा नहीं जाएंगे, कोई जी नहीं लाया तो रुक जाते हैं, तो इसलिए शरीर का ही काम है, आत्मा का काम है हरि चिंतन, आत्मा का काम है हरि चिंतन, हरि यानी दुखों को जब हरण करने वाला उसकी चिंतन उससे विनय प्रार्थना, और रोज यहाँ सो जाते हैं सोने के बाद में प्रस्तुत करना कोई नाश्ता आदि कर, अगर कोई ना खाया तो भी हम दातुन ढूंढते हैं और दातुन ढूंढ करके दुर्गा आदि कर चिंता नाश्ता के हमको ध्यान आता नाश्ता कर, तो मतलब आत्मा के ऊपर से अभी हमारा किया हुआ कर्म अभी हम अगर उसके लगे रहेंगे तो वास्तविक में शरीर से नाशमान है, इस नाशमान पृथ्वी पर नाशमान लोग में आए हैं तीन दिन यहाँ से विसर्जन होगा, इसलिए जब तक हमारा जीवन है प्रभु ने दिया है चाहे रोग में होता है रोग में ये सब जो होता है वो काटता है, कभी कभी भूल में रूप में हमसे कर्म मन जाता है, उसके अनुसार हमको रोग टूट भी आता है, दुख अस्तित्व में हर बात विवाद कम नहीं था, दुख सुख में हर बात विवाद तो मैं था क्या नहीं होता, दुख में और सुख में कैसुल की स्थिति में बस तुम्हें को थापना मैंने अपने हृदय में, और इसी आपको स्थापन करके जगत की मर्यादा को मर्यादा आने दुनिया भर का प्रमाण
उस सत पथ पर सत पूरे नाम का पथ निराल का जो अस्वारत अन्य अंदर जो नाम सदरूप से रत है जितना बने बसान अभ्यास करते रहेंगे वही जो जागरूक अगर यही करते रहेंगे तो भयानक है भाई डाकू है अथवा बड़ा बंगाल कोई जानवर हो बचा करके जाना चाहते जिससे भाई को कहीं हमको या हमारे पास छीनने के लिए काफी है राजनगर ऐसा बताया कई कोई मतलब की कई दुकाने पाता है जब आत्मा यहाँ तैयार जाती है उसको महान अनिवार नहीं उसको हो जाता है और उसको किया हुआ रोग का प्रार्थना और जिस तरह से जगत में अगर चलाने वाला उसको बकरी का या भेड़ का है और लकड़ी जलती हुई है तो वहाँ पर तेल और बकेरा नहीं आता और अकेली अगर बकरी है तो उसको तेल और सामान्य आत्मा भी इसी तरह से बगल